हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड के बारे में और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जर्मन शेपर्ड डॉग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है और ये डॉग यूएसए की दूसरी मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। स्टडीज से पता चला है कि 100 पॉपुलर डॉग ब्रीड्स में से जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड्स की बाइट फोर्स 238 पाउंड्स यानी कि 108 किलोस होती है। जर्मन शेपर्ड डॉग इनक्रेडिबली स्मार्ट होते हैं और आप इन डॉग्स को अगर कोई ट्रिक सिखाए तो ये डॉग ज़्यादा से ज़्यादा 5 रिपीटिशन में सीख जाते हैं। 1920 में जब फॉर्मल डॉग ट्रेनिंग स्विट्जरलैंड में स्टार्ट हुई तो जितने भी डॉग ट्रेन किए गए वो सब जर्मन शेपर्ड थे। जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड 1800 के दशक के मिड में पॉपुलर हुए क्योंकि तब इन डॉग्स को एज अ शीप हर्डर की तरह यूज़ किया जाता था और कैटल्स को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी इन डॉग्स का यूज होता था। कुछ आश्चर्यजनक जर्मन शेपर्ड डॉग्स होते हैं जिनके पास अनयूजुअल कलरिंग होती है और इन्हें पांडा शेपर्ड्स भी कहते हैं। जर्मन शेपर्ड डॉग्स ने हॉलीवुड मूवीज में ही बहुत काम किया। एक जर्मन शेपर्ड डॉग जिसका नाम स्ट्रॉन्ग हार्ट था, उस डॉग ने 6 मूवीज में स्टार का रोल किया और वो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का भी स्टार था। जर्मन शेपर्ड डॉग्स उन कुछ डॉग ब्रीड्स में से है जिनके ऑफिशियल नाम में डॉग वर्ड होता है। 1889 में मीडियम साइज के येलो ग्रेइश वुल्फ लाइक डॉग ने मैक्स वॉन स्टेफनिट्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और मैक्स वॉन स्टेफनिट्स जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड के फाउंडर बने। जर्मन शेपर्ड डॉग्स बहुत अच्छे फैमिली डॉग, गार्ड डॉग, परफॉर्मेंस डॉग, शो डॉग, पुलिस डॉग, मिलिट्री डॉग और सर्विस डॉग होते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये डॉग्स और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स में जर्मन शेपर्ड डॉग्स बहुत पॉपुलर हो गए। अमेरिकन सोल्जर्स ने इन डॉग्स का पोटेंशियल देखा जब वे जर्मन्स के साथ फाइट कर रहे थे और कई सोल्जर्स अपने साथ इन डॉग्स को यूएस ले आए। आपको रिन टिन टिन के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि रिन टिन टिन का नाम एक फ्रेंच पपेट के नाम से रखा गया क्योंकि इस डॉग को फ्रांस में ब्रेड और रेस्क्यू किया गया था। रिन टिन टिन को अमेरिका का फर्स्ट रेस्क्यू डॉग भी कहा जाता है और 2011 में इस डॉग को अमेरिकन ह्यूमेन एसोसिएशन फर्स्ट लेगेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिन टिन टिन भी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का स्टार था। अमेरिका में एक जर्मन शेपर्ड डॉग क्लब है जिसमें 12 साल से ऊपर के जर्मन शेपर्ड्स को रखा जाता है। जर्मन शेपर्ड डॉग्स कई कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होते हैं जैसे कि बाई कलर, ब्लैक, ब्लैक एंड क्रीम, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लैक एंड टैन, वाइट, ब्लू, ग्रे, लिवर एंड सेबल। जर्मन शेपर्ड डॉग डबल कोटेड होते हैं और ये बहुत शेड करते हैं। जर्मन शेपर्ड डॉग्स को खेलना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप एक एक्टिव पर्सन है तो आपके लिए इससे अच्छी कोई और डॉग ब्रीड नहीं है। जर्मन शेपर्ड डॉग्स का लिटर साइज 6 से 8 पपीज का होता है। जर्मन शेपर्ड डॉग्स को स्विमिंग करना अच्छा लगता है पर ये डॉग्स नहाने में थोड़े नखरे करेंगे। जर्मन शेपर्ड डॉग्स को हाई क्वालिटी और न्यूट्रिशियस फूड खिलाना चाहिए क्योंकि वो सस्ते सामानों पर ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रहते। जर्मन शेपर्ड डॉग्स का लाइफ स्पैन 9 से 13 ईयर्स होता है। इनका ओरिजिन जर्मनी है। मेल्स का वेट 30 से 40 किलो के बीच होता है और मेल्स की हाइट 60 से 65 सेंटीमीटर के बीच होती है। फीमेल्स का वेट 22 से 32 किलो के बीच होता है और फीमेल्स की हाइट 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनका टेम्परामेंट वॉचफुल, अलर्ट, क्यूरियस, ओबेडियंट, लॉयल, कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड जर्मन शेपर्ड डॉग ब्रीड के ऊपर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, उस चीज़ को कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।